आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, जो डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है निकल के। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं डिटेल से। बिहार बोर्ड, डीएलएड स्टूडेंट्स का आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि जारी कर दी है। प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स 24 जनवरी से 6 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों को स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क एडवांस में जमा करना होगा, इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। जितने स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन भरा जाएगा उसके अनुसार प्रत्येक एक स्टूडेंट के लिए 400 रुपये जोड़कर जमा करना होगा। समिति ने कहा है कि त्रुटि होने के बाद में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जाएगा। इस बार परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर भी बीएसईबी ने पहले ही जारी कर दिया है। डीएलएड सत्र 22-24 के द्वितीय वर्ष एवं सत्र 23-25 के प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विभिन्न तिथियां जारी की गई। द्वितीय वर्ष एवं सत्र 23-25 के विद्यार्थियों के प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित करते हुए जुलाई तक इन दोनों परीक्षाओं का परीक्षाफल जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। समिति ने कहा है कि अगस्त 2024 में तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के मद्देनज़र समिति जुलाई तक डीएलएड के दोनों सत्रों के परीक्षाफल का प्रकाशन कर देगा। तो ये न्यूज़ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एनटीआर अब जैसा कि बताया गया है, कैलेंडर एक जारी किया गया था कि टीआरई जो है अब हर साल होगी। तो 2024 में टीआरई 3.0 जो है वो अगस्त में होगी। तो उसी को लेकर के यहाँ पे कहा गया है कि अगस्त तक में रिज़ल्ट जो है वो निकाल दिया जाएगा, ताकि टीआरई में जो टीआरई थर्ड जो आएगी उसमें लोग उसमें डीएलएड वाले जो है जो पास आउट है वो फॉर्म भर सकें। तो इस तरह की न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।